तो इसमें वाली सो जगह इसको इस तरह ना कर लें, कितना जरा आएगा उठो जरा। ठीक है ना, व्यू देखना। चलो अब सही है, सब लोग व्यू जाए। ठीक है ना जी? ओके। सो पहला क्वेश्चन है फैक्टराइजेशन क्या। ठीक है, फैक्टराइजेशन का है और ये कह रहा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक तरफ हमारे पास 5x स्क्वायर आ रहा है और दूसरी तरफ है 15x। तो हम क्या करेंगे कि ये जो 15x है इसको भी हम इसके ले आएंगे, ठीक है, और राइट साइड पे जीरो रह जाएगा। क्या आएगा, 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से इस इक्वेशन में आपके पास क्या मतलब कॉमन आता है, 5 और एक्स स्क्वायर कॉमन आता है, ठीक है। 5 और 5 5 3 15, तो 5 भी कॉमन ले लेते हैं और एक्स भी कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अंदर रह जाएगा सिंपली एक्स और इस तरफ माइनस 3 इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये जो 5x है इसको अलग से 0 के इक्वल करेंगे और दूसरा जो है हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 0 अलग से कर देंगे। तो x की वैल्यू इधर 0 ओवर 5 और ये हो गया आपका 0, और दूसरी तरफ यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 माइनस उधर जाकर प्लस हो गया। तो सॉल्यूशन सेट क्या बना आपके पास, 0 और 3। ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये, और देख लो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। जस्ट उसने क्या किया, फैक्टराइजेशन के लिए देते हैं अक्सर टर्म एक तरफ देते हैं, इसने क्या किया आधी रकम एक तरफ कर दी है और आधी दूसरी तरफ, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसने पूछा है आपसे, राइट द नेम ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन से मेथड हैं, कौन से तरीके हैं, ये आपने बताने हैं। तो 2-3 तरीके बताने हैं और आपके 2 नंबर बन जाने हैं। एक आपके पास फैक्टराइजेशन का है, एक आपके पास कंप्लीटिंग स्क्वायर का है और एक आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्म का। 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। चलिए है मेरे पास, नोट कर लिए। तो ये क्वेश्चन तो मतलब अक्सर आता है ना, पूछते हैं अक्सर पूछते हैं ये क्वेश्चन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड बताएं, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, 2 दर्जी मसावाद को हल करने का तरीका। तो मैं दोनों सूत्र बताता हूँ आपको। एक आपके पास है फैक्टराइजेशन, जिस तरह अभी हमने एक फैक्टराइजेशन की है, ठीक है। फैक्टराइजेशन के मौजूद तरीके हैं, तो एक तो फैक्टराइजेशन आ जाता है, दूसरा आ जाता है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड वन आ जाता है आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये वही फार्मूला ना आपका जो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो ये 3 तरीके लिखेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में और 2 नंबर आपके पास, ठीक है। स्पेलिंग वगैरह सही आ रहे हैं ना वीडियो में, ठीक है। फैक्टराइजेशन तजदीद का तरीका उर्दू वालों के लिए,
तजजी, कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी के तकमीले मुरब्बा, और क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी के इसका था दो दर्जी फार्मूला। ठीक है, ओके, आगे आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, सॉल्व इक्वेशन दी है उसने, रेडिकल इक्वेशन है आपके पास, कह रहा है अंडर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, देखो अगर यहाँ पे ये इक्वल टू एक्स ना होता तो फिर तो बहुत ही सिंपल हो जाना था, यानी कि कोई वैल्यू होनी थी उसका हमने स्केयर लेना था। मसलन फर्ज करें यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पलरी काम करता हूँ कि मैं कितना 3x प्लस 18 यही इक्वेशन इस तरफ रखता हूँ और इस तरफ मैं कर देता हूँ लेट्स से 2 कर देता हूँ फर्स्ट को। ठीक है, या चलें कुछ मजीद इजी करने के लिए 5 कर लेता हूँ, कोई इस तरह से कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गई इस तरफ। ठीक है, तो कांस्टेंट वैल्यू का स्केयर लेंगे, इधर इसका स्केयर लेंगे, तो स्केयर लेने के लिए क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर करेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास अंडर रूट 3x प्लस 18 इसका होल स्केयर और इस तरफ आ जाएगा 5 का स्केयर, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए, इधर आ गया 3x प्लस 18 और इधर आ गया 25, तो अब ये 18 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x इज इक्वल टू 25 माइनस 18 और x किसके इक्वल आ जाएगा 7/3, ये इसके नीचे चला जाएगा। तो ये था आपके पास, मतलब जब कोई वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है, ठीक है, यानी एक तरफ आपके पास स्क्वायर रूट की वैल्यू है और एक तरफ आपके पास कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आज तक पेपर में इस तरह का क्वेश्चन भी। लेकिन अभी मौजूदा सूरत में जो हमारे पास सवाल है, जो आपकी बुक का क्वेश्चन है, वो कुछ इस तरह से है दिया हुआ कि वो कह रहा है कि 3x प्लस 18 होल स्क्वायर रूट, तो जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ना तो x का स्क्वायर हो जाने से ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि जब भी x की वैल्यू 2 आ जाती है, स्क्वायर आ जाती है, तो वो क्वाड्रेटिक वैल्यू बन जाती है। तो यहाँ पे करेंगे तो वही तरीका कर, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। ठीक है जी, तो इस तरफ 3x प्लस 18 और उसका होल स्क्वायर और इस तरफ x का होल स्क्वायर, हो जाएगा हमारा और यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस 18 सिंपल x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि एक तरफ करनी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, स्क्वायर वाली वैल्यू अगर हम सोच ही रहा था अभी चल पड़ा क्या नहीं दोबारा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू राइट साइड पे स्क्वायर वाली है, इसको अगर लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, हम लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे लेकिन लिखेंगे सारी लेफ्ट साइड पे, तो क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर 3x उधर जाके क्या हो गया माइनस एक्स और 18 उधर जाके माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको आप फैक्टराइज कर लो, आप इसके ऊपर इसकी जो ना मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीका यूज कर सकते हो या आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, तो कुछ भी आप यूज करें, जैसे कि आपको चाहिए 3 चाहिए माइनस 3x और इधर 18 है, तो प्लस 6 और माइनस 6 और प्लस 3, ठीक है ना, 6 3 18 हो जाएगा और 6 के साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ माइनस है,
थ्री का चाहिए और थ्री के साथ हम प्लस लगा देंगे ताकि वो माइनस सिक्स में से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसका तरीका मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है यहाँ पे फैक्टराइजेशन का, कि हम 18 को क्या करेंगे, टू पे डिवाइड करेंगे तो नाइन आएगा, फिर इसको करेंगे थ्री थ्री जार नाइन, तो हमारे पास ये फैक्टर बन जाते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस थ्री, यानी इन फैक्टर में से किसी रकम, दो ऐसी रकमें बनाएंगे टू थ्री थ्री में से, कि दो को प्लस करें या माइनस करें, तो माइनस थ्री एक्स आए, और उन दोनों जोड़ों को पेयर्स को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 18 आए, तो वो ये बनेगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस 18 इक्वल टू जीरो, ठीक है। सब यहां से एक्स कॉमन आ गया, एक्स एक्स माइनस सिक्स पीछे रह गया, और इसमें से प्लस थ्री का मन आ गया और अंदर रह गया एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इधर से हमारे पास एक्स माइनस सिक्स और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। अब एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो अलग कर लेंगे और एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अलग कर लेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे x इज इक्वल टू सिक्स और यहाँ पे x इज इक्वल टू, ये थ्री उधर जाके माइनस हो गया। तो सॉल्यूशन सेट जो आपके पास बना इसका वो आया जी सिक्स, क्योंकि ये माइनस का उधर जाके प्लस हो गया था और ये प्लस का उधर जाके माइनस, तो ये माइनस। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं आप लोगों के, क्लियर चल रही हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वेरी सिंपल, सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो बाय फैक्टराइजेशन। सो इसको भी फैक्टराइजेशन से आपने सॉल्व करना है। वो कह रहा है जी एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो, जरा गौर करें, दो स्क्वायर हैं और दरमियान में माइनस है, दो स्क्वायर और दरमियान में माइनस। तो इसका बड़ा सिंपल सा फार्मूला, ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है आपका, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। तो यहाँ एक्स का स्केयर और यहाँ नाइन किसका है, थ्री का, तो क्या करेंगे, एक्स का होल स्केयर माइनस थ्री का होल स्केयर इज इक्वल टू जीरो, और एक दफा प्लस कर देंगे और एक दफा माइनस, ठीक है। आगे एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो अलग और एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो अलग, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इज इक्वल टू प्लस थ्री, सॉल्यूशन सेट में माइनस थ्री और थ्री। क्लियर,
ये वाला क्वेश्चन भी आपने कैसे करना है, फैक्टराइजेशन से ही करना है। इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 152। सबसे पहले तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। 152 आपका राइट साइड पे, उसको ले आए लेफ्ट साइड पे, क्या देगा? एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ माइनस हो तो क्या है, माइनस 11 और उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस 152 आए। माइनस 152 देखिए यहाँ पे है 1, ठीक है, ये 1 मल्टीप्लाई हुआ 152 से तो माइनस 152 ही आया, साथ आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, सुन रखे तो इसको कर दिए 2 के साथ, 2 7 का, ठीक है, और 6, फिर 38, फिर 9। तो ये दो फैक्टर हैं आपके पास। देखें 2 1 2 2 2 4 और 4 2 8 माइनस करेंगे 19 में से, ठीक है, तो प्लस 11 आएगा, लेकिन हमें चाहिए माइनस 11। 19 के साथ माइनस लगा देंगे और 8 के साथ है 10 है। अच्छा, तो अब इसमें से क्या काम बनाएगा, एक्स का मना आएगा एक्स माइनस एन एस गेन 19 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस 19 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। सो x माइनस 19 इक्वल टू 0 अलग आ जाएगा और x प्लस 8 इक्वल टू 0 अलग आ जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस 19। सो सॉल्यूशन सेट क्या आया जी, 19 और माइनस 8। चार चार नंबर, दो दो नंबर के छोटे छोटे से सवाल हैं आप लोगों के, जरा हिम्मत करके करो तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक है, रूट ऑफ इक्वेशन, हाँ जी, ये रूट्स की जो ये भी हमने स्टडी की और मैंने आपको बताया था कि रूट्स की नेचर किस तरह से पता चलती है, ये जीरो से लेस देन आ जाए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो से लेस देन हो, नेगेटिव हो, तो रूट जो है वो इमेजिनरी होता है। अगर जीरो के इक्वल हो तो परफेक्ट होता है, ठीक है, और सॉरी परफेक्ट नहीं होता, यूनिक होता है, डिस्टिंक्ट होता है, ठीक है, और रैशनल होता है। और अगर जीरो से बड़ी वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो फिर ये आपके पास रैशनल इरेशनल की ऑप्शन रियल होता है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा तो अनइक्वल होगा, रैशनल होगा। चार कंडीशंस मैंने बताई थी आपको। अच्छा, क्वेश्चन नंबर है 6। 2x square
माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री और ये इक्वल टू जीरो। हमने फाइंड करनी है नेचर ऑफ द रूट, ये बताना है कि इसके इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसकी नेचर क्या हो। तो डिस्क्रिमिनेंट है आपके पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो। जब भी आपने नेचर फाइंड करनी है रूट की तो इसको किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है। और यहाँ से बी सी की वैल्यू लेनी है आप, तो बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस सेवन है, माइनस फोर, ए की वैल्यू टू है और सी की वैल्यू थ्री। सेवन का स्केयर कितना हो जाएगा 49, माइनस का स्केयर प्लस ही हो जाता है तो 49 आ गया। और ये कितना आया आपके पास 4 टू चार 8 और 8 थ्री चार 24। नीचे क्या आ गया 25 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या आया है आपका, बेसिकली इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो 25 जो है ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है ये, फाइव का परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो इस तरह से क्या होगा, रूट की नेचर ऑफ रूट अनइक्वल, ठीक है, बेसिकली अनइक्वल और डिस्टिंक्ट जो है ना ये, और रियल रैशनल, ठीक है। परफेक्ट स्केयर आ जाए आपके पास तो अनइक्वल या डिस्टिंक्ट लिखेंगे, रियल लिखेंगे और रैशनल लिखेंगे। अगर जीरो के इक्वल आ जाता तो आपने रियल लिखना था, रैशनल लिखना था और इक्वल लिखना था। यानी अगर यहाँ पे जीरो आ जाता तो अनइक्वल की जगह क्या आ जाना था, इक्वल, डिस्टिंक्ट नहीं था लिखना, इक्वल, रियल और रैशनल, ठीक है। और अगर जीरो से छोटी वैल्यू आ जाती यानी कि माइनस में यहाँ पे इसके साथ माइनस होता तो फिर आपने इमेजिनरी लिखना था, रियल नहीं था लिखना, ठीक है। अच्छा कर दिया, अगला क्वेश्चन है, कहता है फाइंड मेगा स्केयर मेगा स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है। उसने आपको ओमेगा की वैल्यू दी है माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने ओमेगा देखें, यहाँ पे ओमेगा है और यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा स्केयर, इट्स मीन कि इसका स्केयर ले लेंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि जी मेरे पास एक्स की वैल्यू फाइव है और एक्स स्केयर की वैल्यू फाइंड करो, तो क्या करोगे आप, इसका स्केयर ले लोगे ना, इधर एक्स का स्केयर आ जाएगा, इधर 25 का स्केयर 25। एज इट इज हम क्या करेंगे, हमारे पास ओमेगा दिया हुआ है और ओमेगा स्केयर हमने फाइंड करना है तो हम इसका स्केयर ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ओमेगा का स्केयर इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू का
होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन का ये ऊपर ए और बी का फार्मूला खुलेगा, यानी ये टर्म आपकी ए होगी और ये बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा माइनस वन का स्क्वायर प्लस इनटू अंडर रूट माइनस का स्क्वायर, ऐसा ही है। फिर क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही आएगा, टू ए वाली वैल्यू के साथ माइनस आ रहा है ना माइनस वन, तो ए की जगह पे माइनस वन और बी की वैल्यू का क्या आ रहा है अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू का स्क्वायर वन का स्क्वायर वन प्लस, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस थ्री का, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस थ्री प्लस प्लस माइनस है, ये प्लस और ये माइनस में जो माइनस हो गया, टू वन का टू अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर, ठीक है। ये मैंने आपको बता रिपीट कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा हुआ है माइनस वन, एक जगह पे क्या लिखा हुआ है माइनस वन, तो ये माइनस वन का स्क्वायर इधर ही आ गया, आगे बी की जगह लिखा हुआ है अंडर रूट माइनस थ्री, वो ये आ गया उसका होल स्क्वायर, प्लस फार्मूले का टू आ गया और ए की जगह पे माइनस वन है तो वो, और बी की जगह पे अंडर रूट माइनस थ्री वो आ गया। अब यहाँ पे माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, ये माइनस अंडर रूट थ्री का स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, टू वन का टू और आ गया अंडर रूट माइनस थ्री, ठीक है। अब ये इसको ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट को, तो वन माइनस थ्री माइनस टू अंडर रूट माइनस थ्री ओवर फोर, ठीक हो गया। अब माइनस थ्री में से देखो ये वाली टर्म को नहीं छेड़ना, क्यों, क्योंकि इसके साथ अंडर रूट माइनस थ्री आ रहा है, इस टर्म को नहीं छेड़ेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस टू अंडर रूट माइनस थ्री ओवर फोर, और इसमें से टू कॉमन आ जाता है, टू कॉमन ले लेंगे, माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर फोर, तो टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, तो आपके पास फाइनली आया माइनस वन माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू, ये आ गया आपके पास ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट, आगे एट वाली जो है ना ये सिमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है, ये याद कर लीजिएगा सिमल्टेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन, ये सिमल्टेनियस जो इक्वेशन हैं ये उमूमन दो इक्वेशन होती हैं और दो इक्वेशन के अंदर से कॉमन सोल्यूशन निकल आ जाता है दोनों को जोड़ के, ठीक है। तो दोनों का यानी पॉसिबल सोल्यूशन जो होता है वो आपका सिमल्टेनियस सोल्यूशन होता है इक्वेशन का, तो ऐसी इक्वेशन जिसका सोल्यूशन कॉमन सोल्यूशन हो उसको हम सिमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं, याद रहने। और आगे क्वेश्चन नंबर नाइन है, ये आपके पास आ रहा है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने दो दर्जी मसावात बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखनी है जिसके रूट्स जो हैं वो माइनस वन और माइनस सेवन, तो जरा रिमाइंड करें कि जब हम किसी इक्वेशन के रूट्स हमें पता हो और हमने वो इक्वेशन बनानी हो उससे, तो कौन सी दो चीजें फाइंड की जाती हैं, जब किसी इक्वेशन के रूट्स दिए हों आपको और आपने इक्वेशन बनानी हो तो कौन सी दो चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फार्मूला क्या है उसका एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस फॉर सम ऑफ द रूट्स एंड पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट के लिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की टर्म यूज होती है और इसको हम कैपिटल एस से जाहिर करते हैं, और ये रूट जो दिए हैं उसने आपको वो माइनस वन और माइनस सेवन दिए हैं, इट्स मीन माइनस वन प्लस इनटू माइनस सेवन करेंगे और आपके पास माइनस एक आ जाएगा, ठीक है।
इस तरह से डेटा प्रूफ निकालेंगे और ये आपके पास होता है अल्फा डॉट बीटा दैट्स इक्वल टू -1 इनटू -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। और इन दोनों रूट्स को अब आप इसमें पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू आ रही है -8 ब्रैकेट में साथ एक्स प्लस पी की वैल्यू आई है 7 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। तो ये प्रैक्टिस करो जितनी कर सकते हो, दिन थोड़े ही आप लोगों के पास। आज के लिए इतना काफी है, कल कुछ ज्यादा करेंगे ठीक है, ताकि वो जो है ना कल कोशिश करेंगे बाकी के जो 2-3 पार्ट रह गए ना इस मॉड्यूल के तो वो फाइंड आउट करें ठीक है। ओके